शिक्षा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव। वेलकम टू शिक्षा स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट यानी कि नाव। अब नाव लेके हम रोड पे ट्रैवल तो करेंगे नहीं, तो हम ट्रैवल करेंगे स्ट्रीम में। सो स्ट्रीम यानी कि करंट, रिवर और एनी फ्लोइंग वाटर। अब इस स्ट्रीम को लेके हमारे पास दो कंसेप्ट है, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम इज डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। यानी कि रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो होगा हमारा डाउनस्ट्रीम। एंड सिमिलरली अपोजिट, अपस्ट्रीम इज डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम। सो अगर हम रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो होगा अपस्ट्रीम। अब इसी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की कंडीशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के एग्जांपल से। अब आप सीढ़ियों पे अप चढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि सिमिलरली स्ट्रीम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, सो आपकी स्पीड होगी कम। लेकिन अगर आप डाउन उतर रहे हैं यानी कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको हेल्प करेगा, सो आपकी स्पीड होगी ज़्यादा पर आपको कम टाइम लगेगा। यही कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के कंडीशन में। अब देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम्स के कुछ नोटेशंस। नाउ लेट एस बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड एस सी बी स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम यानी कि जिस फ्लो से रिवर फ्लो हो रही है। U that will be equal to downstream speed will be equal to SB plus SC, यानी कि हमें boat और stream दोनों की speed को add करना है। Similarly upstream speed यानी कि V will be SB minus SC। अब आपको दो diagram दिखाई दे रही है। Diagram में हमारे पास boat है जो कि एक stream में flow हो रही है। Now in the first diagram boat and the current are flowing in the same direction। सो स्पीड ऑफ बोट है 8 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट है 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। इन द सेकेंड डायग्राम बोट इज फ्लोइंग अपोजिट टू द करंट। सो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड होगी 8 माइनस 2 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ आवर फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ बोट दैट इज एस बी विल बी addition of upstream and downstream speeds divided by 2, that is SB is equal to U plus V divided by 2. Similarly, formula for speed of the current will be difference of upstream and downstream speed divided by 2, that is SC is equal to U minus V divided by 2. अब देखते हैं एक छोटा सा example. A boat covers 40 km downstream and 28 km upstream. In each case, it takes 4 hours. Then find the speed of the boat in still water. देखते हैं इसका solution. Now time का equation हमें पता है, time is equal to distance divided by speed. So speed will be equal to distance divided by time. Now the downstream speed will be, that is u, will be equal to d by t, यानि कि distance by time. अब डिस्टेंस हमें दिया गया है 40 और टाइम दिया गया है 4 आवर्स। सो आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 40 बाय 4 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली द अपस्ट्रीम स्पीड V विल बी 28 बाय 4 दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमें पूछा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ द बोट का फॉर्मूला हमारे पास है SB इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट अप करेंगे 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17 बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 8.5 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं अगला एग्जांपल। अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पे रो मतलब है बोट चला रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। फाइंड रेट ऑफ द स्ट्रीम। देखते हैं सॉल्यूशन। अब स्पीड ऑफ द बोट हमें दी है 18 किलोमीटर पर आवर।
Now let the man's upstream speed be x kilometer per hour. अब क्वेश्चन में बोला है, it takes him thrice as long to row up as to row down. So हमारी downstream speed क्या होगी? वो होगी 3x kilometer per hour. अब speed of boat का equation हमें पता है, upstream और downstream speed का addition divided by 2, that will be equal to x plus 3x divided by 2, that will be is equal to 4x by 2 is equal to 2x. So 2x की value हमें पता है 18, so x होगा 9 kilometer per hour. तो अब हमारी downstream speed होगी, उसकी value है 3x, that is 3 into 9, that will be is equal to 27 kilometer per hour. अब हमें पूछा है rate of stream, so rate of stream का equation हमें पता है, downstream और upstream speed का difference divided by 2. So our equation will be SC is equal to 27 minus 9 divided by 2, that is 18 by 2 is equal to 9 kilometer per hour. यानी कि हमारा rate of stream होगा 9 kilometer per hour. Let's move towards our next question. A man can row 7.5 kilometer per hour in still water. If in a river running at 1.5 kilometer per hour, it takes him 50 minutes to row to a place and back, how far off is that place? यानी कि कोई आदमी है, वो 50 minutes में किसी जगह पे जा रहा है और वापस आ भी रहा है, तो हमें उस जगह की दूरी निकालनी है. अब देखते हैं इसका solution. A man can row 7.5 kilometer per hour in still water. मतलब यही होगी हमारी speed of the boat. So SB will be 7.5 kilometer per hour. Similarly, speed of the current will be 1.5 kilometer per hour. अब हमारी downstream speed होगी SB plus SC, that is 7.5 plus 1.5, that is 9 kilometer per hour. और हमारी upstream speed होगी 7.5 minus 1.5, that is 6 kilometer per hour. अब consider करेंगे कि दोनों places के बीच का distance है x kilometer. अब boat वहाँ पे जाएगी और फिर से वापस आएगी. अब हमें पता है time का equation, जो कि होता है distance by speed. So अब according to this हमारा equation बनेगा x by 6, यानी कि जो upstream speed है वो, plus x by 9 will be equal to 50 by 60. 50 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया है. सो सॉल्व करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18. सो न्यूमरेटर में आएगा 3x plus 2x divided by 18, which will be is equal to 5 by 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x is equal to 5 by 6 into 18. सो देयरफॉर 5x is equal to 15. देयरफॉर x is equal to 15 by 5, that is 3. So, हमारा required distance है between the two places is 3 kilometers.